गाइस इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बॉलीवुड और साउथ फिल्में चल रही हैं, जिनमें बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म सावी ए ब्लडी हाउसवाइफ, साउथ सिनेमा की फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार राजकुमार राव स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें, इन सभी फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 दिन पूरे हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के दूसरे दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के तीसरे दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म सावी ए ब्लडी हाउसवाइफ के बारे में। तो गाइस आपको बता दें, ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1200 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म में दिव्या कुमार खोसला, अनिल कपूर, हर्षवर्धन राणे और अतुल शर्मा जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का निर्देशन अभिनय देव ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1,60,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन किया था। साथ ही साथ इस फिल्म के दूसरे दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1,50,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म सावी का टोटल 2 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 3,10,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म सावी ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 4,90,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के तीसरे दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने तीसरे दिन यानी अपने पहले रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1,80,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। इस तरह से फिल्म सावी का टोटल 3 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 4,80,00,000 रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा। वही सब बात कर लेते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार राजकुमार राव स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के बारे में। तो गाइस आपको बता दें, ये एक स्पोर्ट ड्रामा रोमांस से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1600 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म में राजकुमार राव, जाह्नवी कपूर, जरीना वहाब, हिमांशु जयकर, कुमुद मिश्रा और राजेश शर्मा जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 6,75,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। साथ ही साथ इस फिल्म के दूसरे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4,50,00,000 रुपए की रेंज में दमदार किया है। इस तरह से फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का टोटल 2 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 11,25,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 17 करोड़ रुपए की रेंज में जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है। वहीं इस फिल्म के तीसरे दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने तीसरे दिन यानी अपने पहले रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 5.5 से 6 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। इस तरह से फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का टोटल 3 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 17 करोड़ रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा। वही सब बात कर लेते हैं साउथ सिनेमा की वन ऑफ दी मोस्ट अवेटेड फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी के बारे में। तो गाइस आपको बता दें, ये एक एक्शन ड्रामा एडवेंचर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1300 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म में विश्वक सेन, नेहा शेट्टी, अंजलि, नसर, हाइपर आदि, साई कुमार और नोरा फतेही जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपकी
जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का निर्देशन कृष्णा चैतन्य ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 5,20,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। साथ ही साथ इस फिल्म के दूसरे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3,10,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी का टोटल 2 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 8,30,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 11,90,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के तीसरे दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने तीसरे दिन यानी अपने पहले रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3.5 से 4 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। इस तरह से फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी का टोटल 3 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 12 करोड़ रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा। वैसे गाइस इन सभी फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।